हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज बात करेंगे थंब रूल फॉर सेफ वर्कलोड ऑफ चेन, मतलब चेन का सेफ वर्कलोड निकालने के लिए उसका थंब रूल फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका SWL निकालने के लिए इसमें एक चेन में एक ग्रेड आता है, तो ग्रेड को देखना कंपलसरी है। मीन्स द SWL चेन इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेड। देखते हैं ग्रेड अभी क्या होता है, आगे देखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो कैलकुलेट द SWL लिफ्टिंग चेन इन किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम में निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें जो डाया जो रहेगा मल्टीप्लाई या डाया, तो डाया जो दिया रहेगा वो MM में रहेगा एंड स्क्वायर्ड एंड मल्टीप्लाई विद ग्रेड, जो कि अभी मैंने बोला कि ग्रेड रहेगा। अब देखेंगे ग्रेड क्या क्या होता है। फॉर ग्रेड अगर 80 चेन है तो उसमें यूज करेंगे 0.4, और अगर ग्रेड 30 और 40 का चेन है तो उसमें यूज करेंगे 0.3। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो इसका होगा SWL जो निकालने के लिए, वो होगा डी स्क्वायर जो कि MM में रहेगा इंटू ग्रेड और इंटू 0.4, क्योंकि अभी हम यहाँ पे 80 ग्रेड का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 0.4 किया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो 0.4 हो गया। आप सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल कोई ले लेते हैं, कोई चेन है जिसका डायमीटर 10 mm है, ओके, एंड चेन का ग्रेड 80 है, तो 80 होगा तो क्या होगा 0.4, और उसका डायमीटर 4 है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर इंटू जी इंटू 0.4, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी इंटू जी इंटू इतना, तो कितना है हमारा, हमने एग्जाम्पल में लिया है चेन का डाया है जो 10 mm है, तो चेन का डाया अगर 10 mm है तो 10 × 10, और इंटू ग्रेड हमने 80 का लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी 80 लिखा हो, तो 80 रहेगा, तो यहाँ पे क्या यूज करना है 0.4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3200 kg, ठीक है। अभी केजी में आ गया, अगर इसको आप टन में भी चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो टन में होगा, तो टन में 3.2 टन हो जाएगा। तभी आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, एक छोटा सा आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए हो कि थंब रूल क्या है SWL निकालने के लिए, चेन जो चेन का SWL निकालने के लिए थंब रूल फॉर्मूला क्या है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो टन में देखिए निकालने के लिए क्या किया इसने, 1000 से डिवाइड किया तो 3.2 टन हो गया, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमारी बारी, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।